नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरु जी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग, होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो आई एम हियर विथ येट अनदर वीडियो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का रिक्रूटमेंट का नोटिस आ चुका है। ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही आ चुका था ये। आई वॉज नॉट गेटिंग सफिशियंट टाइम टू मेक वीडियो ऑन इट, बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज नथिंग इज रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर दिस। लाइक कोई गेट स्कोर वगैरह कुछ भी चीज़ों की जरूरत नहीं है, बट देर इज अ बट, शर्त लागू, लास्ट में बोलते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वही वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। ओके, सो बाय द वे, इन केस यू आर न्यू टू माय पर्टिकुलर चैनल, डेफिनेटली गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल फॉर डेली अपडेट्स रिगार्डिंग IITs, NITs, गवर्नमेंट जॉब सारे के लिए। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, स्टोरी में सारे अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। सो सबसे पहले है गाइस स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट में जॉब है एक्चुअली। स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट रिसर्च एनालिसिस, इन दोनों पे मेनली आपके जॉब है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इसमें एक्चुअली आपको जो चाहिए BTech और BE और मास्टर्स डिग्री इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और हायर क्वालिफिकेशन से रिसर्च एक्सपीरियंस जो है ये प्रेफर किया जाएगा। मतलब सपोज मानो दोनों BTech है, एक मान लो PhD है, एक MTech है, मान लो BTech तो दोनों ही है, एक PhD एक MTech है, सो ऑब्वियसली PhD पर्सन विल बी प्रेफर्ड, राइट। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4, बट दैट इज इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ओनली। मिनिमम परसेंटेज इन BE 60% होना चाहिए एंड इसमें 4 पोस्ट है। मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब आते हैं रिसर्च एनालिसिस पोस्ट में, इट इज एक्चुअली फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कहीं पे किसी जगह से आप ग्रेजुएशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल हायर क्वालिफिकेशन और रिसर्च एक्सपीरियंस और पब्लिश पेपर्स एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ऑब्वियस बात है आप समझ रहे हो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि मान लो जो पेपर वेपर पब्लिश करके PhD करके बैठे हुए वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी प्रेफर्ड ओवर हियर। सो 60% इसमें मार्क्स है, बट एटलीस्ट यू कैन अप्लाई। 20 नंबर ऑफ पोस्ट है और कोई भी चीज नहीं चाहिए आपको, नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। बिलो 35 ईयर्स आपका एज होना चाहिए एज ऑन 1/6/2022। 70,000 रुपए आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड फॉर 2 ईयर्स, वाई इट्स 70,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड फॉर 2 ईयर्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट। उसके पहले हम ये जान लेते कि मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, इसमें भी 60% वही है, 22 वैकेंसीज है, लेकिन इसमें आपको 3 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। एंड याद रखना इन सारे चीजों के लिए 10th एंड 12th स्टैंडर्ड्स में एटलीस्ट 75% मार्क्स रिक्वायर्ड है। सो इन दिस इज एक्चुअली पर्टिकुलरली अ जॉब आई वुड से फॉर दोस पीपल हु हैव डन से यू नो MTech और PhD और समथिंग लाइक दैट, उनके लिए बेटर होगा ये, प्रेफरेबल होगा। बट ऑब्वियसली अगर आप BTech में आपका बहुत अच्छा स्कोर है एंड ऑल दिस थिंग्स, सो यू पीपल कैन ऑल्सो बी एलिजिबल, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तब तो सर बहुत ही अच्छा है। यंग प्रोफेशनल शैल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, All the applications received shall be scrutinized and shortlisted. Candidates will be shortlisted in the light of their qualifications, experience and other details. Mere fulfillment of qualification or shortlisting shall not confer any right. मतलब जस्ट मान लो आपके क्वालिफिकेशन, आपके ग्रेजुएशन वाला 60%, आपका मार्क्स 60% है, ऑब्वियस बात है कि आपसे कहीं ज्यादा जो बेटर वहां पे लोग है बेसिकली उसके सिलेक्शन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल असेसमेंट, उसके बाद रिटन असेसमेंट, उसके बाद टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट, उसके बाद इंटरव्यू एटसेट्रा। BIS में जॉब है एंड द एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर, 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। मंथली आपको 70,000 रुपीज दिया जाएगा। फिक्स फॉर 2 ईयर्स विल बी पेड टू द यंग प्रोफेशनल। द रेम्यूनरेशन इज सब्जेक्टेड टू स्टैच्यूटरी डिडक्शंस, कभी कभी सर हो सकता है कि वो कम भी कर सकते। मतलब मैं इसीलिए बोला ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई इस जॉब में, मतलब है कि ये गवर्नमेंट जॉब तो है ऑब्वियसली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बट ये प्राइवेट जॉब की तरह है, गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, दूसरी बात देखो लिखा हो रहा है रेम्यूनरेशन इज सब्जेक्ट टू, कभी कभी भी आपका रेम्यूनरेशन डिक्रीज हो सकता है। नो TADA शैल बी एडमिसेबल, ये तो प्राइवेट जॉब में भी देते, शैल बी एडमिसेबल फॉर ज्वाइनिंग द असाइनमेंट और इट्स कंप्लीशन। इफ रिक्वायर टू ट्रैवल एंड स्टे इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल असाइनमेंट, TADA एंड लॉजिंग अलाउंस। अच्छा ये सर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बोल रहा है एक्चुअली, TADA आपको नहीं दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल फॉर 12 डेज लीव इन अ कैलेंडर ईयर except the Saturdays, Sundays and all these things. No remuneration for the period of absence in excess of admissible pay will be paid. मतलब मान लीजिए कि आपका लीव है फिर भी आप काम कर लिए तो कोई ओवर ऐसे आपको नहीं मिलेगा। वर्किंग आवर्स देखिए फिक्स है 9 to 5:30, that's nice actually.
अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू होगा, तो आप इधर उधर को जुगाड़ नहीं लगा सकते हो, नो अदर असाइनमेंट, द एंगेजमेंट इज ऑन फुल टाइम बेसिस एंड शैल नॉट टेक एनी अदर असाइनमेंट. मतलब है कि आप BIS में काम कर रहे हो साथ ही साथ कोई दूसरी जगह में काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, यू हैव टू पे योर फुल अटेंशन टू BIS. ट्रैवल, मेडिकल क्लियरेंस एंड सर्विस इनकर्ड, डेथ, इंजरी और इलनेस. ओके फाइन, यू कैन रीड इट. एक्चुअली मेडिकल फिटनेस एक टेस्ट होगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी बिकॉज इट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. आप समझ रहे हो. टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेजमेंट कभी भी हो सकता है विद इन दिस 2 ईयर्स. द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल कैन बी टर्मिनेटेड बाई BIS एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन्स. आपको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बोला कि ये प्राइवेट जॉब के आड़ में गवर्नमेंट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब के आड़ में प्राइवेट जॉब है. फाइन, एनीवेज, सो हाउएवर इन केस ऑफ द ऑफिसर विशेस टू रिजाइन, ही और शी विल गिव हैव टू गिव 30 डेज. 30 डेज की एक एडवांस नोटिस पीरियड नॉर्मली दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा कटने वाला है, 30 दिन में दूसरा जॉब ढूंढ लो. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली ये तो सारे में रहता है. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शैल इन नो केस रिप्रेजेंट और गिव ओपिनियन और एडवाइस टू अदर्स इन एनी मैटर विच इन कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, BIS के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते आप कहीं पे. राइट, तो ये सारे चीज़ें ज़्यादा जनरल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस बेसिकली. दैट इज योर ही इज़ योर कैंडिडेटचर. कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट मत प्रोवाइड करना. एक वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए विच इज गोइंग टू रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर कैंडिडेटचर एट ऑल स्टेजेस ऑफ एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट. ब्यूरो रिजर्व, बट बाई द वे मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ. कॉन्ट्रैक्ट बेस में ऑल दो ये प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स होता है, बट यू नो आफ्टर अ सडन पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी देखा हूँ कि ये इसका एक्सटेंशन हो जाता है एंड इट जस्ट लाइक वर्क्स ऑन पर्टिकुलर बेसिस लाइक परमानेंट बेस में, मतलब 2 साल के बाद फिर से रिन्यू हो जाता है. ऐसे भी देखा हूँ अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो. यही होता है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस, फ्रेंकली स्पीकिंग. सो कैंडिडेट शुड नोट देयर कैंडिडेटचर एट ऑल स्टेजेस ऑफ एंगेजमेंट. ओके, ब्यूरो सर्व्स द राइट टू अमेंड मॉडिफाई वैकेंसीज नोटिफाइड. अच्छा, सिलेक्शन इन द ब्यूरो इन फ्री एयर एंड मेरिट बेस्ड, ऑब्वियस बात है. तो कुछ भी घूस घूस देखे इधर उधर ये सब नहीं चलेगा, और एक बार पकड़े गए तो फिर जेल. तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज इट्स रिटन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू BIS वेबसाइट ओनली, दैट इज www.bis.gov.in. इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ. एंड जैसे ये मतलब ओपन होगा, एक्चुअली ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी मेड फंक्शनल. एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा. एडवर्टाइजमेंट मतलब आप तो थोड़ी एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोज रोज देखोगे. सो जस्ट यू नो लॉग ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको मिल जाएगा ये चीजें. द क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फीस, नो फीस रिक्वायर्ड बाय द पेड. ये अच्छी बात है सर, कोई फीस नहीं लगने वाला यहाँ पर. अनाउंसमेंट सारे इस वेबसाइट में होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ. दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग गाइस. डेफिनेटली गाइस, फॉर मोर सच वीडियोस डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. ऑल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू, दिस इज अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ. टेक केयर.